गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का CITNCERT के स्पेशल लाइव इन्फोर्मेशन प्रोग्राम में। और यह वेबिनार सेशन है, वेबिनार जहां पर हम हर तरीके के ICT टूल्स लगभग हर रोज शाम को 4 बजे सभी से साझा करते हैं। टीचर्स इस समय बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के काल में। जब ऑनलाइन क्लासेस का समय है तो टीचर्स बहुत प्रयास कर रहे हैं अलग अलग टूल्स को प्रैक्टिस करके अपनी क्लासेस को और इंटरैक्टिव करना। और आज जो हम बात करेंगे जिस टूल के बारे में, ऑटो डेस्क स्केचबुक और ग्राफिक्स कैसे उस पर डिजाइन करने हैं, इसके बारे में आज बात की जाएगी। और एक्सपर्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, मैं परिचय कराना चाहूंगी प्रदीप नेगी जी का। नमस्कार प्रदीप नेगी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम और सभी जितने भी लोग हैं आज, सभी को मेरा नमस्कार जी। और प्रदीप नेगी जी लेक्चरर हैं इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज BHEL हरिद्वार उत्तराखंड से। और आज का वेबिनार हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले सभी व्यूअर्स को बता देना चाहूंगी कि इस वेबिनार के बीच में अगर आपके मन में कुछ प्रश्न आए तो हमारे टोल फ्री नंबर्स डायल कर आप अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं। नंबर्स डायल करें, नंबर्स रहेंगे 1800111125, दूसरा नंबर रहेगा 1800111299। और इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, NCERT ऑफिशियल, वहां भी आप अपने प्रश्न हमसे साझा कर सकते हैं। हम लगभग अंतिम घड़ी में जब आखिरी 5-10 मिनट इस वेबिनार के बचेंगे तो अपने एक्सपर्ट से वो सभी प्रश्न साझा करके आप तक जवाब पहुंचाएंगे। और आप सभी दर्शक हमें देख रहे हैं PME विद्या के चैनल नंबर 1 से 12 के ट्रायल रन पर। और आज के इस मजेदार सत्र को, वेबिनार को शुरू करते हैं और चलते हैं एक्सपर्ट के पास और जानना चाहेंगे कैसे ये टूल खास है और कैसे हमारे टीचर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। जी प्रदीप नेगी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज हम आज के वेबिनार का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ग्राफिक यूजिंग ऑटोडेस्क स्केचबुक टूल्स। इस टूल्स का उपयोग हम ड्राइंग, ग्राफिक्स और एनिमेशन बनाने के लिए करते हैं। आज जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे तो सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटोडेस्क स्केचबुक का होगा, कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है एप्लीकेशन को वेबसाइट से, फिर उसको इंस्टॉल करना के बारे में बताएंगे, जो टूल्स इसमें है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में हम फ्री एनिमेशन बनाना आप लोगों को बताएंगे। तो व्हाट इज ऑटोडेस्क स्केचबुक, क्या है? या एक ग्राफिक ड्राइंग पेंटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स है। कोई भी व्यक्ति इस टूल का प्रयोग करके अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकता है। इसके ड्राइंग टूल्स और इंटरफेस किसी भी प्रकार के ड्राइंग स्केचेस को बनाने में हमें सहायता देते हैं। आर्किटेक्ट्स, टीचर, स्टूडेंट, आर्टिस्ट आदि इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अध्यापक इस टूल्स का प्रयोग ई कंटेंट बनाने के लिए इमेज और एनिमेशन बना सकते हैं और विद्यार्थी इसका प्रयोग स्केचेस, ड्राइंग, पेंटिंग आदि में कर सकते हैं। इसके मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा रहा हूं जो हम इसमें बना सकते हैं। जैसे स्केचबुक में हमने देखा, ये स्केच हमने बनाया हुआ, कार्टून हम इसमें बना सकते हैं, पेंटिंग हम इसमें कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिकल डिजाइन इसमें हम बना सकते हैं और ग्राफिक डिजाइन भी हम इसमें बना सकते हैं, इसमें हम सीनरी भी बना सकते हैं। आपको मोबाइल से भी चला सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। इसमें आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये हमने बनाया हुआ इरप्शन ऑफ वोल्केनो। आप भी ये एनिमेशन इसमें फ्लिप बुक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। एक और एनिमेशन इसमें मैंने बनाया है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो कोई भी अध्यापक इसमें अपने विषय के एनिमेशन आसानी से बना सकता है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपका कंप्यूटर कम से कम 64 बिट्स का होना चाहिए, 4GB रैम और ग्राफिक कार्ड, और इसके लिए ये होना आवश्यक है जिससे ये स्मूथ से रन करता है। मोबाइल ऐप से भी हम इसको चला सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें इसमें डिजिटल पेन की आवश्यकता होती है। अब हम आपको बताएंगे कि ऑटोडेस्क स्केचबुक को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम जैसे ही गूगल
क्रोम में लिखेंगे तो इसका एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा। इसको क्लिक करने से स्केचबुक का इंटरफेस हमारे को दिखाई देगा जो कि फ्री है, और डाउनलोड ऑप्शन को हम वैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें एक फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और ये हमारे कंप्यूटर में डेस्कटॉप डाउनलोड फोल्डर को डाउनलोड फोल्डर में स्केचबुक के नाम से फाइल आ जाएगी। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको रन ऑप्शन चुनना है। जैसे आप रन को क्लिक करेंगे तो सेटअप ईएक्सई को आपको यस करना होगा, उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप नेक्स्ट को चुनिए, फिर नेक्स्ट को फिर इंस्टॉल, फिर फिनिश, फिर डन। जैसे आप इसको डन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर स्केचबुक का एक आइकन दिखाई दे रहा है जो पेंसिल की तरह है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और इस इंटरफेस में कई सारी टूल्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाले को हम टूल बार्स बोलते हैं, ये बहुत सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये लैगून है जो शॉर्टकट टूल्स जो हमारे टूल्स हैं उनको यहाँ पे हम शॉर्टकट रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्रूस लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे ब्रूस हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार उनका इस्तेमाल करेंगे। ये दो व्हील दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं कलर एंड ब्रूस कुक। इससे कलर को हम चूज करते हैं, कलर एडिटर है जिसमें हम कलर बना भी सकते हैं और यहाँ से ले भी सकते हैं। कॉपिक लाइब्रेरी जिसमें विभिन्न प्रकार के शेड होते हैं, और यहाँ पे लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में हम इसमें काम करेंगे। इसके बाद ब्रूस लाइब्रेरी है, ब्रूस लाइब्रेरी में आप देख रहे कई प्रकार के ब्रूस हैं और उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये दोनों चीज इसमें दिखाई दे रही है। अब हम इसका क्विक टूर एक बार एनालिसिस दे सकते हैं। सबसे पहले जो टूल है ब्रूस कुक, ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है देखिए। इसके बाद कलर व्हील, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लैगून जो हमारे शॉर्टकट कीज बनेंगे, इसमें शॉर्टकट टूल्स। उसके बाद सिमेट्री टूल्स जिसमें हम एक तरफ इमेज बनाएंगे और दूसरी तरफ हमारी इमेज अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। गाइड्स जो हमारे ऑब्जेक्ट को ग्राफिक डिजाइन के लिए जरूरी है और इसको हम किसी भी एंगल से बना सकते हैं स्केल आदि का इस्तेमाल करके। इसके बाद है ब्रश मैनेजमेंट जिसमें जितने भी हमारे ब्रश के टूल्स हैं अलग अलग, उनको हम कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद है डिस्ट्रॉट जिसमें हम कलर को शेड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। इसके बाद है हमारा इमेज को भी हम इसमें एंगल के अनुसार चेंज कर सकते हैं। फ्लिप बुक एनिमेशन जिसमें हम किसी भी इमेज में एनिमेशन डाल सकते हैं, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं बास्केटबॉल खिलाड़ी खेल रहा है। इसके बाद है पर्सपेक्टिव टूल्स जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल डिजाइन बना सकते हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं एक बिल्डिंग का डिजाइन बनाया जा रहा है। तो ये थे हमारे टूल्स। इन टूल्स का यूज करते हुए इसमें एक हमने इमेज बनाई है, ये इरप्शन ऑफ वोल्केनो की। इसको सेव एज कैसे किया जाता है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेव एज कमांड देंगे तो जो ये फाइल इसमें सेव होती है वो TIFF फाइल के नाम से सेव होती है।
तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन और अब हम इसको आपको इस टूल्स के बारे में सिखाते हैं कि आप इसमें काम कैसे करेंगे। जैसे हम टूल्स को ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले इसका एक इंटरफेस ऑटोडेस्क स्केचबुक का। अब इसमें हमें यह नहीं पता चल रहा है कि हम कहां पे काम करेंगे, तो इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत है। तो हम इसके लिए सबसे पहले इमेज में जाएंगे और कैनवास का साइज सेलेक्ट करेंगे। जब हम कैनवास का साइज सेलेक्ट करेंगे तो उसमें डिफॉल्ट पहले से ही 1600 और 817 दिया हुआ है। इसको हम अपने सुविधा के अनुसार इसको अलग कर लेते हैं। इसको मैं 1000 और इसको मैं 600 कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये बीच में एक विंडो हमें, ये हमें कैनवास का डिजाइन दिखाई देगा जिसमें हम यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। ये कैनवास का डिजाइन। अब यहाँ पे बहुत सारे कमांड है। पहला है आपका अंडू, रेडू, सबको पता है इसके बारे में। ये हमारा जूम है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक व्हील आपको दिखाई देगा और ये व्हील को हम जैसे बीच से करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। और यहां से इसको लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं और इससे हम उसको रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट कमांड है। इसे करने से पहले हमें एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने फिगर चुनी स्क्वायर, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं। इसमें हम एक कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ब्लैक कलर ले लिया। अब हम इसको यहां से सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो सिलेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन यही है कि किसी चीज को सिलेक्ट करना फिर उसको डिलीट करना। इसके बाद हम एक और बॉक्स बना लेते हैं यहां पे। इस बॉक्स को अब हम अगर हम सर्कल में इसको काटना चाहते हैं, सर्कल में हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं, जो बीचों बीच में डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आपका लेसो टूल है जिसको अपने सिलेक्टेड एरिया के अनुसार जैसा आप इसको काटोगे वैसे ही कट हो जाएगा। ऐसे दूसरा टूल है पॉलीलाइन, इसमें भी कई प्रकार की लाइनों से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है क्रॉप। क्रॉप में हम किसी भी इमेज को काट सकते हैं। जैसे हमने यह सेलेक्ट किया तो इधर की इमेज हमारी पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। एक क्रॉप इमेज है हमारा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्विक ट्रांसफॉर्मर टूल। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई इमेज इतनी सी काट के कहीं और शिफ्ट कर दियो तो हम उसे कर सकते हैं। हमने यू सेलेक्ट करा और एक व्हील आ जाएगा। ये व्हील के बारे में मैं फिर बताऊंगा आपको। इसको हम इधर को मोड़ सकते हैं, कहीं भी हमने इमेज काटी और उसको हम मूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने इधर मूव कर दिया। ऐसी दूसरा टूल है लेसो टूल। इसको भी अपने अनुसार जैसा मर्जी आप डिजाइन काटिए और इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और जो ये वाला है हमारा टूल है इंटायर लेयर, ये सभी को एक साथ मूव करने के लिए कहीं भी आप इसको ले जा सकते तो ये हमारे टूल्स हैं। इसके बाद हमारा एक और टूल है ट्रांसफॉर्म। इसको जैसे हम यहां पे क्लिक करेंगे हम किसी भी फिगर को किसी भी एंगल पे मोड़ सकते हैं, 3D भी बना सकते हैं इसको कहीं पे भी मोड़ के।
इसके बाद कलर फिल है हमारा जिसको फ्लड बोलते हैं, इसमें ये सॉलिड फिल है तो हम कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। हमने जैसे रेड लिया, क्लिक किया तो रेड हो गया है। इसको हम थोड़ा इमेज बड़ा करके दिखा देते हैं, तो आपने देखा है रेड कलर हो गया। इसमें अगर हमें लीनियर फिल करना हो तो हम ऐसे करेंगे तो शेड आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाके इसको डाउन करके हम इसमें दो कलर कर सकते हैं। इसमें जैसे हमने लाइट स्काई कर दिया, इसमें हमने रेड कर दिया और बीच में हमने जैसे कोई भी कलर ले लिया येलो। तो आपने देखा तीन शेड बन गए हमारे। ऐसी इसको लेंगे रेडिकल, तो रेडिकल जैसे हम करेंगे तो बीच में गोल बन जाएगा, सर्कल वर्कल में जैसे आप कोई प्लैनेट बनाना चाहते हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसको, ये रेडिकल इसका कलर हो गया। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं और इसमें और भी बना सकते हैं कलर्स, बहुत सारे बना सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट, हम इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे अपना नाम लिखा मैंने, इसको आप बोल्ड करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने ब्लैक ही रहने दिया है, ओके कर दिया है, तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट है। आप इसको बीच से जूम भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। अब इसमें एक टूल और है रूलर, जो हमारे लाइन खींचने के काम आता है। इसको आप यहां से सेलेक्ट करके कहीं पे भी लाइन खींच सकते हैं। इसे एक लाइन हमने यहां खींच दी, आप चाहते हैं एक और हो जाए तो आप यहां पे भी उससे लाइन खींच सकते हो, ये रूलर काम आता है। इसके बाद एक और है जिसको एक्लिप्स टूल बोलते हैं। इसमें आप ओवल शेप में कोई भी फिगर बना सकते हैं इस प्रकार, और अगर इस प्रकार करना है तो इस प्रकार भी बन सकते हैं ओवल शेप। इसके बाद है फ्रेंच कर्व, इसमें हम फ्रेंच के अनुसार कोई भी कर्व शेप बना सकते हैं जैसा बनाना चाहें, क्योंकि कुछ फिगर बनाने में हमें बहुत दिक्कत होती है तो हम बना सकते हैं कैसे भी इसको पूरा। इसके बाद आता है हमारा प्रिस्पेक्टिव गाइड्स, जिसमें कई सारे लाइंस हैं, अलग अलग लाइंस। जैसे ये सिंगल लाइन है, ये लाइन ड्रॉ करने के टूल्स हैं। हम सिंगल लाइन ड्रॉ टूल यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम थिली वाला ले सकते हैं, इससे हम किसी कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। और एक हम सर्कल वाला ले सकते हैं, इससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको एक मिनट, थोड़ा जूम ज्यादा होने से दिख नहीं रहा, तो हम इसको सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला टूल है। इसको एक्यूरेट रखना पड़ता है तभी जाके हमारी लाइंस बनेंगी। बीच में भी हम कर सकते हैं और इस प्रकार ये लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं।
इसके बाद आता हमारा सिमेट्री टूल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अगर एक तरफ कोई इमेज बनाते हैं और दूसरी तरफ हमारी इमेज अपने आप बनती चले जाती है। जैसे हमने एक ट्री बनाया, ये देखिए ट्री, तो दूसरी तरफ अपने आप बनेगी। ऐसे ही इसमें अगर दूसरी तरफ इमेज ले लें, अगर हम ऊपर बनाएंगे नीचे अपने आप बनेगी, ये देखिए। ऐसे ही एक और टूल है, इसमें आप सेक्टर्स हैं 2 से लेकर 16, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं कम। जैसे हमने 8 कर दिए तो लाइनें बढ़ रही हैं, हम 12 करेंगे तो और लाइनें बढ़ जाएंगी। इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। अब हम इसमें कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको देखना इसमें ग्राफिक्स दिखाई देगा। इस प्रकार ये ग्राफिक्स है, आप इसको अलग कलर भी ले सकते हैं। ये तो देख रहे हैं आप कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बन रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा टूल है कि वो इसमें ग्राफ बना सकते हैं, रंगोली, खासकर रंगोली भी वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है आपका स्टडी स्ट्रोक। ये जो हमारा स्टडी स्ट्रोक है टूल, इसमें हम कोई भी अगर लाइन खींचें, तो इसमें लाइन अपने आप अच्छी सी बन जाती है। जैसे इसमें स्केच बनाने के काम आती है, जैसे आप कोई चीज यूं बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं एकदम स्मूथ से बनेगा। कहीं आपका जो पॉइंटर है या आप माउस से बना रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं होगी, एकदम स्मूथ से बनेगी। तो इसको स्टडी नाम दिया गया है। इसके बाद एक और है प्रिडक्टिव स्ट्रोक, ये भी बहुत अच्छा टूल है, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। जैसे हमने कोई कार्टून बनाने के लिए हमने लाइन बनाई टेढ़ी-मेढ़ी, अपने आप ही उसको सही कर देता है। जैसे हमने यूं यूं लाइन बनाई और छोड़ा, इसको एकदम स्मूथ कर दिया, यूं हमने करा पर एकदम गोल कर देता है ये। तो ये जो टूल है प्रेडिक्टिव स्ट्रोक, तो ये इस काम आता है कि हम इससे कोई भी काम स्मूथली कर सकते हैं स्केच बनाने के लिए। इसके बाद ये लेयर्स हैं, लेयर्स का जो हम यूज करेंगे ये बैकग्राउंड इमेज बनाने के लिए होता है। आप किसी भी ग्राफ में, मतलब किसी भी लेयर में काम कर सकते हैं। यहां से हम एड लेयर भी कर सकते हैं और यहां से हम उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये ब्रश प्लेट्स है जो आपको दिखा रहे थे, और ये आपका कलर व्हील जो पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में, और ये कॉपिक लाइब्रेरी है जिसमें आप कई सारे शेड दिए हुए जिसको आप अपने सुविधा के अनुसार यूज कर सकते। तो ये थे अभी तक जो मैंने बताए ये टूल्स थे। अब ब्रश के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि जैसे हम क्लिक करेंगे इसको तो हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्रश लाइब्रेरी खुल जाएगी। इसमें बहुत सारे ब्रश हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, कई सारे ब्रश और डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसमें ब्रश है, जैसे हमने ब्लैक कलर लिया तो हमने ये लाइन खींची, यहां पर इसकी जो प्रॉपर्टी दी हुई है ये,
इसको यहां से हम इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, और ऑपेसिटी का मतलब है कि हम इसको डार्क और लाइट शेड कर सकते हैं। हर ब्रश में ये प्रॉपर्टीज काम करती है। तो हमने देखा ये स्केल, ये सबसे पहले हमने पेंसिल ली, कोई भी हम ब्रश ले लेते हैं, ये वाला ब्रश लिया, दूसरा कलर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ये वाला कलर, ये और ये ब्लर, ब्लर से हम किसी भी चीज को लाइट कर सकते हैं, दो कलर को आपस में शेड कर सकते हैं। ये इरेजर है जिससे हम कंप्लीटली किसी चीज को डिलीट कर सकते हैं, इससे थोड़ा, और ये लाइट इरेजर है या सॉफ्ट जो हल्का डिलीट करेगा, हल्का मतलब लाइट एकदम। तो ये इसके टूल्स थे। इसके बाद टेक्सचर टूल्स हैं, कॉपिक लाइब्रेरी है, इसमें सिंथेटिक पेंट, पेंट है, जैसे ये आया पेंट, आप देख रहे पेंट, कई सारे इसमें पेंट दे रखे हैं सारे। इसके बाद टेक्सचर भी हैं बहुत सारे, आप जैसा जैसा बनाना चाहें टेक्सचर। इसके बाद शेप है बहुत सारी, शेप हम कैसी भी बना सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी शेप बन सकती हैं, स्टार बन सकते हैं, और इनके हम साइज भी हम यहां पे चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जाकर। ये हैं बहुत सारे, ये देखिए, तो ये बहुत सारे डिजाइनिंग है, आर्टिस्टिक डिजाइनर टूल्स हैं, ग्लो है, आर्टिस्टिक टूल्स हैं, पिस्टल है, कलरलेस हैं, और बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार और भी टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक इमेज बनाएंगे और इमेज में एनिमेशन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक इमेज, हमने कैनवास ले रखा है, इसमें हम एक इमेज पहले बनाएंगे और फिर उस इमेज को हम सेव करेंगे और बाद में हम उसको फ्लिपबुक में लेके आएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले इमेज बनाते हैं, तो इसके लिए आप देख रहे हो अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी लेयर्स की। तो यहां पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को जैसे आप क्लिक करेंगे तो हम कोई भी कलर ले सकते हैं, लाइट कलर हम ले लेते हैं स्काई का, तो हमने ये लाइट कलर स्काई का ले लिया है। अब हम इसमें एक माउंटेन बनाएंगे क्योंकि हमें इरप्शन ऑफ वोल्केनो बनाना है, तो एक माउंटेन बनाएंगे हम। तो माउंटेन का कलर आप जानते हो किस तरह होता, कॉपिक लाइब्रेरी से ले लेते हैं हम, ब्राउन डार्क शेड ले लेते हैं, ये वाला हमने शेड ले लिया। इसके बाद हम इसमें पेंसिल ले लेते हैं, ये हमने पेंसिल ले ली, इसकी हम ब्रश प्रॉपर्टी में देख लेते हैं, सही है, ये हमने ले लिया। तो कलर ये थोड़ा डार्क नहीं है, अब डार्क हुआ। अब हम यहां से इसको बनाना शुरू करेंगे, जैसे हम एक माउंटेन बना रहे हैं, हमने माउंटेन बनाया, तो हम इसको अगली लेयर में बना रहे हैं और इस लेयर को हम रीनेम कर देंगे, इसका नाम हम रख देंगे माउंटेन, शॉर्ट में इसको मैं MON कर देता हूं। तो हमने एक लेयर में माउंटेन बनाया, ये लेयर, इस वाली लेयर में बैकग्राउंड है, इसको जैसे हम बंद करेंगे तो पीछे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और ये वाली लेयर में माउंटेन बना रहे हैं। फिल हमने लिया, हम इसमें कॉपिक लाइब्रेरी से कोई भी कलर ले सकते हैं, हम डार्क ही कलर लेंगे, और हमने इसको कलर ले लिया, ये गलत हो गया हमारा, हम इसको
सॉलिड फिल लेंगे, तो हमने सॉलिड फिल ले लिया है कलर। अब हम क्या करेंगे, हमें एक और माउंटेन की जरूरत पड़ेगी शेड के लिए, तो लेयर बनाने के लिए इसकी, तो हम बार बार माउंटेन नहीं ड्रॉ करेंगे हम, बल्कि लेयर को ही डुप्लीकेट बना देंगे। तो हम लेयर को एक और डुप्लीकेट बना दिया, हमने दो लेयर हो। अब इस लेयर को हम दूसरी शेड देंगे, दूसरा कलर करेंगे। कॉपिक लाइब्रेरी से हम इसमें इधर पे रख लेते हैं इसको, और थोड़ा लाइट शेड ले लेंगे और इसको हम क्लिक कर। तो आपने देखा कि हमारे पास दो शेड हो गए, दो माउंटेन हो गए। अब इसको हमें थोड़ा कंप्रेस करना है, तो हम इसको क्विक ट्रांसफॉर्मर में जाएंगे, और ये जो व्हील है, इस व्हील के बारे में अभी मैं बता देता हूं आपको। ये जो साइड है, ये किसी भी इमेज को मूव करने के लिए है, ये जूम करने के लिए, ये रोटेट करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए। जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे, तो ये आप देखिए, तो एक लेयर पीछे हो गई, उसके आगे हो गई, और यहां जूम, और यहां हम उसको इधर उधर भी ले जा सकते हैं लेयर को, और यहां से रोटेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लेयर हो गई। अब हमें एक और माउंटेन की जरूरत है, एक और लेयर बनाने की जरूरत है, तो हम क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देंगे, और इसमें फिर हम एक कलर और डाल देते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, ये कलर हमने लिया। अब इसको फिर हम कंप्रेस करेंगे, टूल आ गया हमारे पास, ये हमने लाए, और ये हमारे तीन लेयर हो गई। अभी हमारे पास थ्री लेयर हो गई, मतलब जो वेलक्रो दिखाया जाता है उसमें ऐसे लेयर्स दिखाए जाते हैं। तो ये थ्री लेयर्स हो गई। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, इस फाइल को हम सेव करेंगे, और बाद में जब हम इसमें एनिमेशन देंगे तो हमें इसे बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसमें फाइल में जाते हैं और सेव एस, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे फाइल होता है, जो अगर हम इस फाइल में सेव करेंगे तो ये फाइल हम दोबारा एडिट कर सकते हैं, दोबारा इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरी फाइल में सेव करेंगे, जेपीजी में या पीएनजी में, तो हम इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते, ये बैकग्राउंड बन जाए। तो हम इसे पीएनजी में सेव करेंगे और इसका नाम वेलकनो लिख देते हैं, वेलकनो वन लिख दिया, और इसको हम सेव कर देते। तो हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इसमें एनिमेशन हमें बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू फ्लिप बुक में न्यू एम्पटी फ्लिप बुक लेंगे। जैसे आप क्लिक इसको ऑप्शन पर चुनोगे, तो फिर वही चीज पूछेगा जो हमने पहले दी थी, विड्थ 1000 दी थी और हाइट हमने 600 दी। अगर हम यहां डिफरेंट हाइट देंगे तो हमारी इमेज अलग बनेगी और उसका कैनवास अलग दिखाई देगा, और यहां पे जो फ्रेम रेट है जिसमें स्पीड में ये बनेगा, 12 भी ले सकते, 24 है। अगर हम 12 लेंगे तो ये थोड़ा स्लो चलेगा, और आगे स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो ये फास्ट चलेगा, तो 24 डिफॉल्ट ही रहेगा। नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको कितने चाहिए, तो यह 240 में पहले से ही है, और इसको मैक्सिमम 1000 तक हम इसको फ्रेम बढ़ा सकते। तो हम जैसे ही ओके करेंगे, अब आप देखेंगे कि हमारी वो इमेज हट गई है और एक नया इंटरफेस आ गया। यहां पर फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, ये नए लेयर्स आ गए। ये फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड तो आपके एनिमेशन के लिए होते हैं, और बैकग्राउंड कलर आपके जो डिफॉल्ट, आप इसमें बना भी सकते हैं बैकग्राउंड और आप ला भी सकते हो कहीं से। और यहां पर ये जो लाइन है इसको एनिमेशन टाइम लाइन बोलते हैं, जिसमें फ्रेम है। तो हमने 240 फ्रेम लिए थे, तो ये 240 यहां पे दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये काफी फ्रेम है, वन फ्रेम टू फ्रेम। यहां पर हम जो पहला ऑप्शन है इंसर्ट एम्प्टी फ्रेम, कहीं पे भी हम एक बीच में फ्रेम बना सकते हैं। ये है हमारा डुप्लीकेट फ्रेम, हम एक फ्रेम को दोबारा कॉपी कर सकते हैं और इससे हम किसी फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं।
यहाँ पे प्ले है जो फ्रेम को चलाएगा और इसमें हम पार्ट में एनिमेशन को देख सकते हैं, कुछ ही कुछ एनिमेशन हम देख सकते हैं, और जो लास्ट वाला इसमें इंटायर एनिमेशन एक साथ हम देख सकते हैं। और ये लूप है, लूप से हम एक बार रिपीट होता उसको यहां से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन फ्रेम है, इसको हम नीचे रखते हैं। अब हमें जो इमेज लानी है हम बैकग्राउंड में लाएंगे, तो हमें बैकग्राउंड को क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमने फोरग्राउंड को क्लिक करके इमेज लाएंगे तो हमारी एनिमेशन नहीं बनेगी। तो बैकग्राउंड को क्लिक करके आप फाइल में जाएंगे और ऐड करेंगे, ऐड इमेज, और वो इमेज को ढूंढ के लाएंगे जो आपने अभी बनाई। ऐड करा हमने, वो इमेज वेलकम वन के नाम से सेव है। हमें जैसे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो वो इमेज यहां पर आ गई। ये इमेज हमने पहले बनाई थी, अब ये इमेज यहां पर आ चुकी। अब हम इसमें जो एनिमेशन देंगे तो फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड में से किसी एक को चुन लेंगे। तो जैसे मैंने फोरग्राउंड चुन लिया, यहां पे आप देखेंगे कि हमारा फ्रेम एक्टिव हो गया पहला। अब हम यहाँ पे लावा बनाएंगे जो यहां से निकलेगा, तो उसके लिए हम यहां से कोई ब्रूस ले लेते हैं जिससे चमक हो, जिसमें ग्लो वाला। तो हम इसमें अच्छा से ब्रूस लेते हैं, ग्लो, ग्लो को हमने क्लिक कर दिया। और इसके बाद इसकी ओपेसिटी, इसके बाद हम जो कॉपिक लाइब्रेरी में से येलो कलर ले लेते हैं क्योंकि येलो काफी चमकदार होता है। और इसकी जो ब्रूस की प्रॉपर्टी है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। शुरू में हमें थोड़ा मोटा ब्रूस चाहिए, बाद में हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार पतला भी कर सकते हैं। तो हमने ये ले लिया। अब यहां पे हम एनिमेशन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लावा हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहले हमने इतना बनाया, फिर हम फ्रेम को यहां से कॉपी करेंगे, इस फ्रेम को हम डुप्लीकेट कर देंगे, ये दूसरे फ्रेम में आ गया। फिर हम थोड़ा सा और बनाते हैं, फिर हम प्लस क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर हम प्लस को क्लिक करते हैं, इसको क्लिक क्लिक करके हम बढ़ाते चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको हम जैसे थोड़ा और ऊपर को ले जा लेते हैं लावा को। तो ये हम इस दिखा रहे हैं इस तरह। अब आप, मैंने थोड़ा स्पीड में दिखाया है और हम इसको चेक कर लेते हैं यहां से। तो ये देखिए ये एनिमेशन चल रही है। इसको आप और भी बना सकते हैं इसमें और क्लिक करके। अब हम इसको फिर देख लेते हैं इसको। ये देखिए एनिमेशन, इसको स्लो भी आप कर सकते हैं। तो यहां से हम इंटायर चला सकते हैं, और आप चाहते हैं इसमें कोई टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो तो हम यहां पर टेक्स्ट भी लिखकर उसको इस वाले फ्रेम में, इस फ्रेम में यहां पर हम उसको टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, वो भी यहां पर डिस्प्ले हो जाए। जैसे इरप्शन आप यो, इसको आप स्मॉल भी कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको हम फ्रेम को कई बार कॉपी कर सकते हैं ताकि ये देर तक दिखाई दे। ठीक है, तो अब इसको हम जैसे प्ले करेंगे दिख रहा है। तो ये था एनिमेशन, इसमें जो टूल था। अब इसको सेव बहुत करना जरूरी है। सेव आप एनिमेशन को कहां करेंगे तो इसको मैं बता देता हूं आपको। जैसे आप फाइल में जाएंगे तो इसमें आपको एक्सपोर्ट फ्लिप बुक में क्लिक करना होगा, और एक्सपोर्ट में पीएनजी
पीएचडी डब्ल्यूएमवी एमपी4 और जीआईओ। हम एमपी4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा प्लेबैक होता है, वीडियो बनेगी बहुत अच्छी, और फ्रेम रेट 24 की जगह हम 12 कर लेते हैं तो थोड़ा स्लो चलेगा। इसको एक्सपोर्ट जैसे हम करेंगे, इसका नाम हम लिख देते हैं VL और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी वीडियो बन जाएगी और ये वीडियो हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देगी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार ये एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि हम ऑटोडेस्क स्केच बुक का प्रयोग करके ना केवल ग्राफिक ही इसमें बना सकते हैं बल्कि शानदार सीनरी भी बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। इसमें एक और वीडियो है मेरे पास छोटा सा, इसमें आप देखेंगे कि स्पीड में सीनरी कैसे बनाई जाती है। इसका बहुत प्यारा कलर हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, स्पीड में मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए तो अगर किसी के पास इस संबंध में कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी बहुत रचनात्मक सा सेशन है, मैंने वेबिनार्स ऐसे नहीं देखे जहां पर बच्चे और टीचर्स, क्या बहुत क्रिएटिव रहा आपका सेशन सर, जिसमें कि बहुत सी ड्राइंग्स आपने बताया, फिर उसको वीडियो फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। और बहुत से हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं कुछ प्रश्न यहाँ लेने भी चाहूंगी आपसे। पहला सवाल ये कि हम क्यों ऑटोडेस्क और स्केचबुक को यूज करते हैं या जो ये टूल्स हमने आज डिस्कस किया आपकी प्रेजेंटेशन में, और इसका क्या महत्व है या कितने यूजफुल हैं ये टीचर्स और स्टूडेंट्स की लाइफ में, थोड़ा सा बताएं। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक फ्री टूल है और ओपन सोर्स है, आप जैसे भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अधिकतर जो टूल्स होते हैं पेड होते हैं, कुछ समय फ्री होते हैं उसके बाद वो पेड हो जाते हैं या उनके कुछ फीचर्स काम नहीं करते। ये टोटली फ्री है, इसके सारे फीचर्स काम करते हैं। इसमें इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सरल और आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज्यादा। इसके यूट्यूब वीडियोस आपको मिलेंगे नेट पे, आप उससे भी सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें आप जो स्केचेस होते हैं या कुछ एनिमेशन ऐसे होते हैं जो कॉपीराइट होते हैं, आप उनको नहीं ले सकते या उसके लिए बहुत सारी दिक्कत होती है और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, तो आप क्यों ना इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करें और इसमें आप खुद की एनिमेशन बना सकते हो, कुछ ऐसी इमेजेस बना सकते हो जो आपके लिए ई कंटेंट डेवलप करने के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसमें ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे आपको आपने बहुत महंगे हैं, लॉकडाउन का समय है, बच्चे खाली हैं घर में, तो क्यों ना वो इसमें सुंदर सुंदर अपने स्केच बनाए, ड्राइंग्स बनाए, ना तो आपका कलर का खर्चा आएगा ना शीट का खर्चा आएगा, आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, और ये बहुत इनोवेटिव किस्म का स्क्रीन टाइम है और पेरेंट्स को भी तकलीफ नहीं होगी, जब बच्चे स्क्रीन टाइम तो जरूर कर रहे होंगे पर यकीनन कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपने कहा कि पेड वर्जन नहीं है और फ्री वर्जन है और सभी इसको यूज कर सकते हैं, तो एक सवाल हमारे जहन में यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसे भी टूल्स होते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में यूज किए जा सकते हैं, तो ये टूल भी उस श्रेणी में आता है क्या? हाँ, ये ऑफलाइन यूज किया जा सकता है, आपको इनकी जो वेबसाइट है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको आराम से ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट का भी कोई खर्चा नहीं है, आप इसको मोबाइल ऐप भी इनका है, फ्री है वो, कॉस्ट है, उसको भी मोबाइल में आप इंस्टॉल करिए और जितने मर्जी स्केच बनाइए।
जी, अब जैसे आपने एक एनिमेट हमें एनिमेशन करके दिखाई स्क्रीन पर और आपने पिछली भी वीडियोस दिखाई, तो क्या कोई एनिमेशन जो हमारे पास है हम उसको इमेज में तब्दील कर सकते हैं इस टूल की मदद से? हाँ, इससे इमेज में भी वो कन्वर्ट हो जाती है, उसमें आप उसको पीएनजी में सेव कर सकते हैं तो कई सारी इमेज बन जाएंगी, उसके अलग अलग फ्रेम की इमेज बन जाएंगी, वीडियो भी बन जाएगा और अलग अलग इमेज भी आप उसकी बना सकते। जी, अब जैसे आपने पीएनजी यूज किया, क्योंकि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो जानना चाहेंगे आपसे कहीं ना कहीं कि जो फाइल्स हम सेव कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट के तहत सेव होंगी, या कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जिसमें ही सेव की जा सकती हैं, थोड़ा बताएं। नहीं, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे आप कोई फाइल बना रहे हो उसको दोबारा एडिट करना चाहते हो तो आप उसको पीएनजी या जेपीजी फाइल नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बार आपने फाइल बना दी तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। इसको टीएफ फाइल होती है जो आप सेव करोगे, उसको बाद में भी आप चेंज कर सकते हो। जेपीजी और पीएनजी, पीएनजी फाइल में क्या होता है, बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो, जबकि जेपीजी फाइल में क्या होता है कि बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो सकता, उसमें व्हाइट बैकग्राउंड डिफॉल्ट अपने साथ चलता है लेके, लेकिन पीएनजी में आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में आप जब कोई इमेज बनाते हो, एनिमेशन बनाते हो, तो बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जी चलिए, अब ये भी आपने बता दिया कि किसी भी फॉर्मेट में उसको सेव किया जा सकता है। एक अगला प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी कि अब जैसे हमने कोई फाइल बनाई या हम बना रहे हैं जो भी एनिमेशन या फाइल, उसमें कोई साउंड ट्रैक हमें एडजस्ट करना हो, हम कुछ साउंड इफेक्ट डालना चाहते हैं, ऐसा संभव है क्या? इसमें संभव नहीं है, इसमें केवल आप एनिमेशन दे सकते हो, लेकिन बहुत सारे टूल्स आते हैं ऐसे जिसमें आप इसकी वीडियो बना के वहां पे ले जाके साउंड डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, ऐसी बहुत सी एप्स भी, मैं समझती हूँ, ऐसी बहुत सी एप्स भी हैं जो प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप एक एनिमेशन या वीडियो को म्यूजिक से जोड़कर, साउंड से जोड़कर पूरा कर सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूंगी प्रदीप नेगी जी, कि आपने जैसे कि बहुत से फॉर्मेट्स यहाँ डिस्कस किए इस वेबिनार में, तो क्या हम GIF फाइल, जैसे आपने बताया भी था डेमो के दौरान, तो वो भी बनाई जा सकती है इसमें? हाँ, वो भी इसमें सुविधा है कि आप GIF फाइल भी बना सकते हैं, और GIF फाइल में एक चीज का फायदा होता है कि बड़ी छोटी फाइल बनती है और रिपीट होती है, उसमें एक्शन रिपीट होता है, तो वो भी बना सकते हैं इसमें, उसको भी कहीं शेयर करने के लिए आसानी होती है। जी, और जैसे कि आपने कहा कि इसको सर्वर से भी, इसके लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी यूज किया जा सकता है, और सभी मोबाइल फोन्स पर भी ये टूल कारगर है? एंड्रॉइड और मैक मोबाइल दोनों में ये इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हाँ, कंप्यूटर जिनके पुराने हैं उनमें ये शायद नहीं चलेगा, जिनके 64 बिट्स के कंप्यूटर होते हैं और जिसमें ग्राफिक कार्ड हो तो ये बहुत आसानी से उसमें स्मूथली रन करता है, जिसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होगा थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर आपका 64 बिट का होना जरूरी है। 64 बिट का होना बहुत आवश्यक है दर्शकों, और मैकबुक और बाकी एंड्रॉइड फोन्स में भी, जैसा कि बताया हमारे आज एक्सपर्ट ने, कि आप इस टूल को उपयोग कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण टूल है, टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और लर्नर्स, एजुकेटर्स, सभी के लिए। और मैं समझती हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर डायग्राम्स का बहुत यूज है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो वहाँ तो ये बहुत मदद करेगा आपकी। और आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतनी अच्छी एनिमेशंस को जो आपने साझा की हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए प्रदीप जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जी, आप समय समय पर जुड़ते हैं हमारे साथ और हमारे लर्नर्स का मार्गदर्शन करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी, और आप कहीं ना जाएं साथियों, दर्शकों बने रहे हमारे साथ, अगले सत्र में सहयोग सेशन में बात की जाएगी अनसर्टेनिटी की, अनिश्चितता की, लौट कर आ रहे हैं आपके पास एक छोटे से अंतराल के बाद। नमस्कार।